फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और उदयपुर और चित्तौड़ की इस सीरीज में आज हम खास अश्वपालकों के साथ बैठे हैं और जानते हैं हम इनकी लोकेशन और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। सो सर, वन बाय वन आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। सर नमस्कार, वेलकम। जी आप आए थी जी। सर मेरा नाम हसन खान है जी। और आपका सर? जी मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। मोहम्मद शौकत जी। ओके ओके, तो अपनी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। लोकेशन सर हमारी चित्तौड़ और उदयपुर जो हाईवे है जी, तो वहाँ सांवरिया जी के लिए रास्ता घूमता है जी। उस जो हाईवे से है उससे 1.5 किलोमीटर आगे गाँव आता है सोनखेड़ा। सोनखेड़ा हमारा एक गाँव है और जो अपना फार्म है वो आता है सांवरिया जी के अंदर। सांवरिया जी यहाँ से मतलब हमारे सोनखेड़ा से 6 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर पहले सांवरिया जी से पहले अपना फार्म है, मेन रोड। अच्छा, सांवरिया जी के जाने के लिए 1.5 किलोमीटर पहले रास्ते पे आपका फार्म पड़ जाता है? हाँ, बस 1.5 किलोमीटर okay. कॉलेज है उससे 200 मीटर अंदर है। वेरी वेरी नाइस, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि कॉमन लोकेशन है, इजी लोकेशन है। जी, बिल्कुल, इजीली पहुंच के हिसाब से फेमस है सर। इजीली पहुंच सकते हैं क्योंकि लैंडमार्क जितना बड़ा होता है उतना ही उस जगह पे पहुंचने के लिए आसानी रहती है। तो शौकत भाई कैसे हैं आप? जी साहब बढ़िया। बढ़िया हैं आप? तो आप बताएं कि कितना पुराना अपना ये शौक है, और पहले तो ये बताएं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं पर्सनली, तो लेकिन आपने यूट्यूब पे कितने वीडियो दे दिए हैं अभी तक? वीडियो तो सर 2-3 बार दिए हैं। ओके, सो 3-4 इंटरव्यू हो गए, तो चौथा पांचवा इंटरव्यू है ये। हाँ जी जी। ओके, सो डस्ट फ्रेग्रेंस के बारे में कैसे पता लगा आपको? जी सर हमें वीडियो देखा, हमने आपके देखते हैं। ओके, और हमें बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। ओके, फिर मैंने सोचा भाई आपको भी एक बार बुलाना चाहिए, सबको ही बुलाया है। जी 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 जी। सो बताएं आपके शुरू के घोड़ों के बारे में, आपका घोड़ों का शौक कैसे लगा और कहाँ से शुरुआत की आपने घोड़ों में? सर हमारी फैमिली में 40-45 साल से घोड़े जी, तो मतलब हमारी तो पैदाइश ही घोड़ों में है। जी जी जी। तो हम शौकीन है बचपन से जी। रही दूसरी बात, पहले लाल कुमेद घोड़े रखते थे लेकिन छोटे थे जी, अब जो है जैसे जैसे मतलब अननोन और इस तरह के घोड़े रखते थे, शादी ब्याह के हिसाब से भी रखते थे जी। और अननोन का मतलब हमें लाइन में कोई पता ही नहीं था जी। वैसी आज से जो 15 साल पहले हमारे पास दो घोड़िया थी, अगर आज वैसी घोड़िया हो तो कमाल की घोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उस समय आइडिया नहीं था कि इनको रखना चाहिए कि देना चाहिए, मालूम नहीं था ना सर। और ये दौर बचपन में थे, हम कुछ छोटे थे उस टाइम पे। मैं जी जी जी, मेरी एज उस समय करीब 15-16 साल की थी। हाँ, और जिन लोगों को ये पता होता कि ये दौर में ऐसा दौर आने वाला है घोड़ों का, तो फिर वो उस समय जानवर जिनके पास ऐसे थे वो उन्हीं के पास रहते फिर, अगर पहले से पता होता तो। जिनको अपने चीज का नॉलेज था ना उन्होंने रखी है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ तो आज जो उनके पास हीरे खड़े हैं वो सक्सेस है। सही बात है, सही बात है। सो इट्स ऑल अबाउट लक, भाग्य की बात है। जी जी बिल्कुल, है ना। और अभी आपके पास कितने अश्व हैं लगभग? सर हमारे पास अभी करीब 10 जानवर है। दो चार जानवर सेल हो गए अभी, एक 1.5 महीने के अंदर अंदर। एक 1.5 महीने के अंदर। अच्छा, तो आप शोज वगैरह में भी लगाते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो आपके पास आपके कौन से अश्व अब तक ज्यादा शोज वगैरह में? एक घोड़ा है हमारे पास में, नुकरा जी, वो ज्यादा मतलब जिस शो में गया उसमें कौन सा नंबर तो लाए, फर्स्ट से लगा कर तीसरे स्थान। नुकरे घोड़ों के शो, नुकरे कैटेगरी में, डांस में हो चाहे ना, वो खूबसूरती में, खूबसूरती में। अच्छा अच्छा जी, मतलब ब्रीड शो में। हाँ, वेरी नाइस। और उसके अलावा कुछ मारवाड़ी में आपके पास? मारवाड़ी में एक बच्ची थी हमारे पास में जी, तारा जी, ठीक है, वो तो अभी भी है, आज ही गई है सुबह। okay, आप थोड़ा लेट हो गए वरना हम आपसे वीडियो। हाँ मतलब वो 5 घंटे थी पहले थी। हाँ, बस 5 घंटे पहले थी। तो वो बच्ची हमने शो में लगाई थी तो उसका नंबर आया। ये ट्रॉफी जो है वो ये वाली दोनों
एक वो अपने पास जिसका आपने शूट किया अभी वो कामदेव वाली बच्ची है जी, उसका और उस दोनों बच्चियों का नंबर लगा, एक फर्स्ट एक सेकंड। ओके ओके, तो एक ही बार आपने एक पहली बार लगे शो में अभी। अच्छा, तारा को, तारा को एक ही बार लगाया था, तारा को और उसको जो कायनात है, कायनात को कामदेव वाली जी, जी, उसको भी एक ही बार में शो लगाया क्योंकि अभी उनकी एज नहीं है शो में लगने वाली। तो तारा आपने जो दिए 16-17 महीने की बच्ची है, तारा आपने जो दिए वो कौन से घोड़े की बच्ची है? वो सीताराम जी वाला जो ऑस्ट्रेलियन है ना। अच्छा अच्छा, उसकी एज है तक उसकी बच्ची। हमारे इधर बहुत फेमस घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा है। ओके ओके ओल्ड घोड़ा। ओके, सो आपके पास कब से थी तारा? हमारे एरिया की सबसे फेमस बच्ची है, मतलब बहुत हमारी फार्म की मतलब निशान मान लो। करीब 10 जानवर है नुकरे और मारवाड़ी मिला के। अच्छा, आठ तो है। तो नुकरा वही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि काफी सारे शोज विन किए हैं उसने। एक ऑस्ट्रेलियन है और एक मेयर है। ये कौन सी लाइन से आता है नुकरा? ये रोली वाले अर्जुन का बच्चा है। रोली वाले अर्जुन का। और कितनी एज का लगभग है ये? करीब 9-10 साल का हो गया। 9-10 साल का है। और ये बचपन से आपके पास है? हाँ, दो दांत की कैटेगरी, दो दांत में तब से आपके पास। ओके ओके, वेरी नाइस। और अब हम बात करते हैं आपकी कायनात की जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जो लोग विजुअल्स में देख रहे हैं जी, उसकी डिटेल्स थोड़ा सा बताएं आप। कायनात सर, इसका सायर है कामदेव जो कृष्णारंज पे दिनेश जी जैन साहब के पास में था। कृष्णारंज दिनेश जी जैन के पास कामदेव था जी, और उसका सायर है विजय देव। उसका सायर है विजय देव जी, और विजय देव का सायर कन्हैया। कन्हैया जी, ये देवली देवली लाइन से बिलोंग करती है। और कलर है इसका काला, थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। देवली लाइन और काला रंग थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है क्योंकि ज्यादातर उसमें मोवे और रेड कलर ज्यादा आता है जी जी जी। तो इसकी एज की बात करें तो ये हो गई सर 16.5 महीने, यानी कि 17 महीने में चल रही है। 17 महीने में चल रही है। ओके ओके। और ये आपके यहाँ होम ब्रीड है आपकी? हमारी होम ब्रीड है सर। अच्छा, आपने आपकी घोड़ी पे कवर करवाया था घोड़ा कामदेव को, और फिर आपके पास ये बच्ची आई जी। वेरी नाइस। तो अभी इसकी लगभग ऑलमोस्ट साइज किस तरह की है, कैसी है? साइज मेरे हिसाब अपने तो कोई मेजर तो की नहीं, लेकिन 58-59 के करीब है। ओके, और फुल लेंथ के बाद ये कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये बड़ी घोड़ी, कितनी बड़ी घोड़ी हो जाएगी? ब्रूड मेयर कम 64 तो होनी चाहिए। अच्छा, 64 हाइट की ये ब्रूड मेयर बन जाएगी जी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपका अब तक के आपके अश्वपालन के अनुभव से? हमें क्योंकि बात वो है ना सर, देवली है, थोड़ा देवली हाइट लॉन्ग टाइम तक लेती है। लेती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए। बाकी बच्ची खूबसूरत बहुत है, बहुत ही कमाल की बच्ची है। और इसकी मदर की अगर हम बात करें, इसकी मदर साहब हमारे पास करीब 3-4 साल से है। ये बच्ची सेकंड नंबर पे हुई थी, ये आगे से कवर आई थी, तो एक बच्चा दिया था इसने, बच्चा हमने सेल कर दिया जी। उसके बाद हमने कामदेव डलवाया, तो फिर ये बच्ची कायनात हुई। तो सेकंड फॉल आपने लिया इसका? सेकंड फॉल अब जो है वो तीसरा फॉल होगा उसका। क्या नाम है इस घोड़ी का? इसकी माँ का नाम है सर खुशी। खुशी है और ये बबरथला वाले घोड़े की बताइए। अच्छा, तो बबरथला वाला घोड़ा इसका सायर है जी। जी, देखो इसका नाम भी खुशी है और जो लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि ये इतने कमाल के एटीट्यूड में चलती है। इसका खड़े रहने का तरीका है, इसका दिखने का तरीका। ये तो सर अभी करीब 8 महीने प्लस प्रेग्नेंट है, वरना जब 2-4 महीने की प्रेग्नेंट होती है या फिर खाली होती है तो बहुत ही कमाल के एटीट्यूड है। इसको भी 9.5 महीने हो गए। खुशी भी सम्राट से कवर्ड है। इसकी हाइट की बात करें अगर हम, तो इसकी हाइट 62 प्लस है सर। अच्छा, 62 प्लस है जी। और खुशी ब्रीड कहाँ पे हुई थी कुछ आप बता सकते हैं इस बारे में? खुशी सर कोटा के पास में प्रधान जी करके हैं। ओके, उनके घर पे ब्रीड हुई है। ओके ओके, वहाँ पे ब्रीड हुई है। इसकी मदर और वही थी अभी साल भर पहले तो थी, अभी का अपने को आइडिया नहीं है। और उसके बाद इसकी एक बच्ची भी वहाँ, फर्स्ट वाली बच्ची भी वहाँ थी। ओके, हाँ, लेकिन एक साल से वो आदमी हमारे टच में भी नहीं है। टच में नहीं है। तो ठीक है, काफ़ी कमाल की ये घोड़ी है। इसकी जो विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं, इसका इसका नखरा, इसकी ब्यूट, इसका मारवाड़ी कैरेक्टर्स और इसके बाकी के सारे फीचर्स जो आप देख पा रहे हैं। आई लव दिस मेयर इन दिस फार्म। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके दूसरे अश्वों के बारे में जी। तो आपके पास एक अबलक
घोड़ी है जी। जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं उसकी डिटेल थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर ये घोड़ी हमारे पास करीब 8 महीने से है, हमने टोंक एरिया से ली है। टोंक राजस्थान का जो टोंक जिला है जी। वैसे ऐसा हुआ कि घोड़ी की हमारी बात चल रही थी, फिर हम जाने लगे लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, करीब 10 दिन। तो उस समय पुष्कर मेला चल रहा था, तो वो बोले भैया हम पुष्कर घोड़ी लेके जा रहे हैं, हमको बेचनी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप ले चलो पुष्कर, अगर उसका हमारा दाना लिखा हुआ होगा तो हम वहाँ आएंगे, हो जाएगा अपना काम। फिर हम वो 4 दिन पहले ले गए थे लेकिन इसका दाना हमारे यहाँ लिखा हुआ था, तो उसके बाद फिर हमने पुष्कर में इसको खरीदी, जबकि बात हमारी पहले से चल रही थी। पहले से देख ली थी घोड़ी आपने? जी बिल्कुल, डील सबसे पहले से ही चल रही थी। हाँ जी, बट फाइनल ये पुष्कर में हुई। जी जी जी। ओके वेरी नाइस, तो पुष्कर लकी रहा मतलब इस घोड़ी के लिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी अगर हम उसकी बात करें एज की, एज सर ये करीब 5 साल की हुई है। 5 years। हाँ जी, एक पहले बच्चा दिया है। अच्छा, एक ठान दिया है इसने जी, मेल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी जो है अपने 5 महीने प्लस जो बवरसा वाला घोड़ा है, सम्राट, ओके, उससे कवर्ड है। 3 अश्वों के बारे में हमने बात करी है और आपके पास लगभग 7 से 8 अश्व हैं। आशा करता हूँ कि आने वाले इन फ्यूचर हम आने वाले कुछ पार्ट्स में, आने वाले वीडियोस में हम उन अश्वों के बारे में भी बात करेंगे। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, नाइट हो गई। जी 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 जी, इंटरव्यू उनका हो नहीं सकता है। जी जी जी, आपको भी अर्जेंट जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को अपना अमूल्य समय देने के लिए, शौकत भाई और आपके बड़े भैया, मैं आप दोनों का थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, आपके अश्व दिखाए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के पार्ट्स में, आगे के वीडियोज़ में हम लोग इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।